अरे राम भिलोसे, अरे राम भिलोसे, क्या है? अरे ताऊ इतनी धूल क्यों उड़ा रहा है? होले होले में धार सकता? पहले ही रोज रोज की धूल से ससुर फेफड़े खाए हुए हैं। अरे तो रोता क्यों है? जान 5 बरस में नहीं जाएगी तो 4 बरस में चली जाएगी। देख ताऊ, तू अपनी जान चाहे 5 बरस में दे चाहे 1 बरस में, पर मेरी जान छाड़ दे। ससुर रोज रोज ये मीटिंग होएंगी तो किसकी जान रहेगी? आज एक का जन्म दिवस होकर निकलता है तो कल दूसरे का मरण दिवस आ जाता है। जन्मे मरे ये और धूल खाए राम भरोसे और शाम भरोसे। सुबह निकालो तो शाम को चली आती है, शाम को निकालो तो सवेरा नहीं होने देती है। आज भी किसी का जन्म दिवस है क्या? पता नहीं कौन दिवस है, पर भैया अपना तो मरण दिवस है। जयराम जी के साथ अभी तक कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है माने? माने जो आने वाले थे उनमें से कोई भी। लोग समझते हैं मेरे बाप के घर का काम है, जैसे मुझे तनख्वाह मिलती है इस काम की। कोई एक आदमी वक्त से नहीं आता। साहब, क्या आज यहाँ किसी की सालगिरह है? मेरे झक मारने की सालगिरह है, और तुम लोगों से अब तक काम पूरा नहीं हुआ। देख तो रहे हो साहब, कर ही रहे हैं। मीटिंग शुरू होने के 5:30 बज गए। लोग देर से आए तो आए, तुम्हें तो काम पूरा करना चाहिए वक्त से। एक घड़ी दिला दो साहब, तब हम सब काम वक्त से कर सकते हैं। अब हमें क्या मालूम कब 5 बजते हैं और कब 5:30 बजते हैं। क्यों स्कूल में वक्त से घंटी नहीं बजाते? तो सुपरिंटेंडेंट की डांट सुनकर बजाते हैं। स्कूल की घड़ी तो कब से खराब पड़ी है, आप लोगों के हाथ में बंधी रहती है साहब, फिर भी देर कर जाते हो। हमारी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, और अगर जल्दी कर दें तो डांट पड़ती है जल्दी क्यों किया, फिर से धूल भर गई। और अगर जल्दी ना करें तो डांट पड़ती है जल्दी क्यों नहीं किया, वक्त बर्बाद हो रहा है। साहब कोई जादू जानते नहीं है, हाथ से काम करते हैं तो कर रहे हैं। बकबा मत करो, काम करो। कितना काम बाकी है? अरे साहब ये क्लास तो पूरी झाड़ दी है, ये मास्टर साहब की मेज झाड़ना बाकी है। लो। इसकी सफाई भी हो गई। अब बताइए साहब और क्या क्या झाड़ना है? साहब यो ब्लैक बोर्ड तो ना चाहिए तुमने, कहो तो इसलिए भी सफा कर दूं। नहीं, जाओ। और सुनो, आपने कहीं जाना नहीं, यहीं बैठना। पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। ओहो, और ये सफाई की है तुमने? देखो ये कितनी धूल जमी है। सफाई इस तरह से की जाती है? क्या पता साहब किस तरह से की जाती है। अब किसी स्कूल से इस काम की पढ़ाई तो हम पढ़े नहीं है। हाँ, सुपरिटेंडेंट कहता है सीधा झाड़ू मारो तो सीधा मार देते हैं। अब आप कोई तरीका जानते हो तो वो बता दो, हम वैसा कर देंगे। नॉनसेंस। अब रहने दो। रहने दो तो रहने देते हैं। क्यों जी? हाँ जी, जाओ बाहर बैठो। अब बाहर बैठो तो बाहर बैठ जाते हैं। क्यों साहब, यो मीटिंग बर्खास्त कब होगी? पता नहीं कब होगी। तुम्हें क्या करना है? कमरे में ताला नहीं लगाना? क्या ताला नहीं लगेगा तो जाएंगे कैसे? कल सुपरिटेंडेंट हमारी जान को आएगा। जाओ। पीले के ऊपर। क्या बात है शर्मा, बाहर पैरा क्यों बिठा रखा है? मीटिंग में कहीं कोई मौड़ धड़ तो नहीं होने वाली? 5:30 बज गए आप लोगों के, अभी कोई भी तो नहीं आया सिवाय हमारे। 6:30 तक आराम से आएंगे लोग। वक्त पे आने की जिम्मेदारी तो सिर्फ एक आदमी की है क्योंकि वो कमबख्त सेक्रेटरी है। मैंने इसीलिए अपना नाम वापस ले लिया था, मुफ्त की सिरदर्दी है ये। तूने अपना नाम इसलिए वापस ले लिया था क्योंकि शर्मा के खिलाफ तुझे 3 वोट भी नहीं मिलते। अवर शर्मा इज ग्रेट, लॉन्ग लिव शर्मा। क्या बात है गुरप्रीत, तू इतनी गुपचुप क्यों है? शर्मा के सामने तो ये हमेशा ही गुपचुप हो जाती है। प्लीज कमाल है मालको। शर्मा जी 3-3 लेडीज से घिरे हुए बैठे हो, सेक्रेटरी होने के ही मजे होते हैं। कपूर साहब आज से आप सेक्रेटरी हो जाइए और शर्मा को चेयरमैन बना दीजिए। चेयरमैन मत कहिए मैडम, वो कहिए आपका वो अध्यक्ष। अध्यक्ष 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 अध्यक्ष, हे भगवान ये तुम्हारा अध्यक्ष आया नहीं अभी तक। शर्मा जी आप कौन से वक्त से आ गए हैं? भाई 10-20 मिनट लेट होना नहीं होता है, और वैसे भी हम तो साधारण सदस्य हैं। सीधे सीधे मेंबर क्यों नहीं कह देते? सदस्य हूँ। ओ, वैसे वो लफ्ज है क्या? सदस्य 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 सदस्य। मैं पहले कहता था इस आदमी को चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए। आज छुट्टी का दिन है, इतनी ठंड पड़ रही है, घर में रजाई में दुबका पड़ा होना है। ओ आई एम सॉरी, घर में नहीं होना है, वो तो होना उसके यहाँ। किसके यहाँ? प्लीज नाम तो जान लेने दे। प्लीज प्लीज प्लीज। गुरप्रीत जी नाम जानती है। अच्छा जानती है तू? मैं इसीलिए तो आप लोगों की मीटिंग में आना नहीं चाहती। यहाँ काम वाम की बातें तो कुछ होती नहीं, बस बेकार की बातें होती रहती। अरे राम, अच्छा वो? हाँ वही। ये कब से? भाई 2 साल से तो मैं जानता हूँ, लेकिन पहले तो वो। अरे आप बड़ी हिस्टोरिकल बातें कर रही है मैडम, लगता है आप शहर में नहीं रहती। सच बात है ये? क्या मैं जान सकती हूँ ये मीटिंग कब शुरू होगी? कम से कम चेयरमैन तो आ ही जाए। भाई शर्मा जी तब तक एक प्याली चाय ना पी ली जाए, आज ठंड वाकई बहुत हो रही है। मनोरमा जी आई डोंट माइंड। राम रोसे, राम रोसे। आया साहब। फरमाइए। भाई राम रोसे 1 सेट चाय लिया, 5 प्यालियां। मैं नहीं पीऊंगा। मैं भी नहीं पीऊंगी। भाई आपको लेनी चाहिए, आपकी तबीयत थोड़ी सुस्त सी लग रही है। थैंक्स, मुझे अभी जरूरत नहीं है। ओके भाई, 1/2 सेट और 3 प्यालियां। ओहो शर्मा से दूसरी बार भी पूछ लेते। हाँ शर्मा जी क्या कहते हैं? ये चाय पीने का टाइम नहीं है, मीटिंग का टाइम है। भाई 1/2 सेट और 3 प्याले ले आओ फिर, और साथ में मूंगफली। शर्मा मूंगफली खाएगा? ओ हाँ भाई, शर्मा जी के लिए 50 पैसे की मूंगफली लेते हैं। 50 पैसे? वो कम से कम 5 रुपए की तो मंगाओ। अभी 5 रुपए की ले आओ। मैं ठीक 6 बजे मीटिंग शुरू कर दूंगा, आप लोग चाय पीते रहना। पैसे आप देंगे या कपूर साहब देंगे? ओ हाँ, 100 रुपए का नोट है जी। कोई बात नहीं, टूट जाएगा। ओ, भाई चेंज गिन के लाना, जितनी गिनती आती है साहब गिन के ले आएंगे। उफ, मुझे तो आज ये मीटिंग होती नहीं लगती। अभी तो कोरम ही पूरा नहीं है। ओ शर्मा, क्यों ना मीटिंग कैंसिल करके सब लोग कैंटीन में चल के चाय पिए। हाँ। मीटिंग कैंसिल नहीं होगी। 1 छुट्टी पहले बर्बाद हुई है, दूसरी छुट्टी फिर बर्बाद करनी पड़ेगी। सेक्रेटरी के मुँह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। मैं तो इसी वक्त त्यागपत्र देने को तैयार हूँ, आप मंजूर कर लीजिए। वाह जी वाह, तुम त्यागपत्र कैसे दे सकते हो? त्यागपत्र 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 त्यागपत्र। भाई तुम त्यागपत्र दे दोगे तो फिर हमें दूसरा सेक्रेटरी कहाँ से मिलेगा? है? ये सेक्रेटरी पी शर्मा जिंदाबाद, सबकी तरफ से जिंदाबाद। शाम भरोसे सो रहा है वो, शाम भरोसे सुन रहे हैं साहब। काम बताइए, तुमसे मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? बैठने को कहा था। तो बैठे ही थे साहब, खड़े थोड़े थे। हाँ, लेकिन बैठे बैठे ऊँग रहे थे। अब मानूस है साहब, रबड़ के पुतले तो है नहीं है, आ गई होगी ऊँग। अपना काम बताइए। वो राम भरोसे चाय लाने गया है। हाँ गया है, आपके सामने तो गया है। मैं भी कह रहा हूँ कि गया है, तुम उसके पीछे पीछे चले जाओ। बोलो चाय एकदम जल्दी चाहिए। जाओ। चले जाते हैं साहब, पर आएगा तो अपने पैरों से ही ना, मेरे जाने से उसके पंख तो उग नहीं आएंगे। ठीक है, तुम मत जाओ। तुम नहीं जाते? वैसा हुक्म तो वैसा, ऐसा हुक्म तो ऐसा। भाई शर्मे, ये लोग लो ग्रेड में नहीं आते? आते हैं। तो भाई जैसे लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी हम लोगों की है, वैसे इन लोगों की भी होनी चाहिए, है कि नहीं? है तो नहीं, पर होना चाहिए। तब तो राम भरोसे चेयरमैन हो जाएगा और शाम भरोसे सेक्रेटरी। तो भाई चाय कौन लेकर आएगा फिर? शर्मा, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मार को अपमान? मेरा कोई ऐसा इरादा ही नहीं था। अगर अपमान हो गया तो मैं माफी मांग लेता हूँ, मैंने तो एक बात कही थी। लीजिए चाय आ गई। ओ ला भाई, ठीक है, एक मिनट। लीजिए गुरप्रीत जी, ये चाय बनाइए आप। मुझे सबके टेस्ट का पता नहीं है। आपको नहीं है पता? अरे बनाइए बनाइए। सबसे छोटी तू ही है। सबसे छोटी और सबसे यार छोड़िए। कह दीजिए, कह दीजिए। नहीं नहीं, ओ मेरा वो मतलब नहीं था। I'm sorry। दीन दयाल, इधर वाला कमरा है, आ जाओ। आ यही तो है। अरे वाह, चाय और मूंगफली किसने दावत दी है? कपूर साहब ने। कपूर साहब ने? किस खुशी में? आपके देर से आने के। क्या मैं एक प्याली ले सकता हूँ? थैंक यू। आप लेंगे? चीनी जरा कम डालिए। कोई बात नहीं, नहीं भी डालिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तीसरी प्याली कौन लेगा? कपूर साहब को दीजिए, इन्होंने मंगवाई है। अरे नहीं नहीं, आप लीजिए। नहीं कपूर साहब आप लीजिए ना, तकल्लुफ कर रहे हैं। आपको तकल्लुफ आप कर रहे हैं, लीजिए ना। मीटिंग शुरू नहीं हुई है अभी तक। चाय चल रही है। ये एक्स्ट्रा प्याली किसके लिए? मैं ले सकता हूँ। जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू। भाई बहुत गरम चाय है। बहुत। दीनदयाल जी आपकी तरफ से है चाय? नहीं भाई, मैं भी तुम्हारी तरह मेहमान हूँ। तो आप हैं मेजबान प्रेम प्रकाश जी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत भाई, मुझे धन्यवाद क्यों देते हो? मैं भी तुम्हारी तरह मेहमान ही हूँ। अगर हम तीनों मेहमान हैं तो भाई मेजबान कौन है? पैसे कपूर साहब के खर्च हुए। बहुत खूब, बहुत खूब। पैसे खर्च किए और फिर भी खुद नहीं पी रहे चाय। भाई क्या बड़प्पन है यार। बड़प्पन तो अपने आप ही हो गया भाई। किसी किसी में होता है ऐसा बड़प्पन। हमारे एक साहब हैं जान पहचान के, शादीशुदा हैं। वो अपनी बीवी को खुद घुमाने नहीं ले जाते। अच्छा, बल्कि दोस्तों के साथ जाने देते हैं। मुझे इस तरह की बातचीत पर सख्त एतराज है। मैं चाहूंगा कि मीटिंग का वातावरण थोड़ा गंभीर बना रहे। मैं इसके बाद गंभीर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। थोड़ी मूंगफली तो ले सकता हूँ? तो अब मीटिंग की कार्रवाई आरंभ की जाए। कुछ लोग और आ रहे हैं। रमेश तो सतपाल है, ऐसी राक्षसों जैसी हंसी और किसकी हो सकती है? मोहन, अभी अभी तुमने गंभीर रहने की प्रतिज्ञा की है। आई एम सॉरी कपूर साहब, लेकिन कोई बताए ये हंसी इंसानों की है? अरे भाई किसकी हंसी इंसान जैसी नहीं है? भाई आपकी बात हो रही थी। हाँ। लेकिन मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लो मूंगफली खाओ। हाँ। भाई इतनी सी मूंगफली आप किस दुख से देंगे? अरे खाओ भी यार। हाँ। शर्मा जी आप भी लीजिए। अच्छा तो अब मीटिंग की कार्रवाई। संतोष जी आप भी लीजिए। मनोरमा जी आप भी। कपूर साहब को दीजिए, वो बेचारे। अरे उन्हें भी दूंगा, आप तो लीजिए। कपूर साहब बस आप लीजिए। अरे आप भी लीजिए कपूर साहब। अरे नहीं बस आप लीजिए। लीजिए भी। अरे यार रमेश मैनू बख्श दे यार। अरे ऐसा भी क्या तकल्लुफ है? आप दोनों मत लीजिए, मैं ले लेता हूँ। दोस्तों पहले सब लोग बैठ जाएं। लेडीज फ्रंट, जेंट्स बैक। अरे क्यों भाई, एक एक पैर एक एक डेस्क पे क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार लेडीज कम है, जेंट्स ज्यादा है। तो क्या हुआ? दो दो डैश जोड़ देंगे दो के साथ एक एक। मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे एतराज है। क्यों भाई? डैश कितने ज्यादा है कि सब लोग अलग अलग डैश पे बैठ सकते हैं, जिसकी जहां जहां मर्जी वहां बैठ जाए। इस सुझाव से कौन कौन सहमत है? कौन सहमत है? हाँ भाई हाँ, हम सभी सहमत हैं। अगर आप सब सहमत हैं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। बैठ जाओ। मैं समझता हूं कि अब किसी और के आने की आशा नहीं करनी चाहिए। चूंकि अध्यक्ष महोदय नहीं आए हैं, इसलिए मैं आज की अध्यक्षता के लिए कपूर साहब के नाम का प्रस्ताव करता हूं। और नहीं नहीं, मैं इस लायक कहां। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आइए आइए कपूर साहब, आइए। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। भाइयों और बहनों, मेरा एक संशोधन है। बहनों पहले और भाइयों बाद में होना चाहिए। क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि आप गंभीर होकर बैठे? मैं ये बात बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं। आप बिल्कुल गंभीर होकर नहीं कह रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं गंभीर होकर नहीं कह रहे? भाई हर सभ्य समाज में पहले लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जाता है, जेंटलमैन लेडीज नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपका संशोधन स्वीकार करता हूँ। आपका मतलब आप मिस्टर मोहन का संशोधन स्वीकार करते हैं? मेरा मतलब है मैं मिस्टर मोहन का संशोधन स्वीकार करता हूँ। बहनों और भाइयों, मैं एक बात कह सकता हूँ? कहिए। ये बहनों और भाइयों झूठा स्टेटमेंट नहीं है? अरे बात करने का मुहावरा ऐसा है यार। तो ये मुहावरा झूठा नहीं है क्या? शर्मा साहब कह सकते हैं कि जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हुई है उनको अपनी बहन समझते हैं। आप पर्सनल बातें बीच में नहीं ला सकते हैं। मैं कोई पर्सनल बात बीच में नहीं ला रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस मुहावरे के जगह हम और कोई मुहावरा इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि लेडीज एंड जेंटलमैन की तरह न्यूट्रल हो। लेडीज एंड जेंटलमैन की तरह न्यूट्रल? ग्रामर ठीक है आपकी। मैं मुहावरे की बात कर रहा हूँ यार। वो मुहावरा भी न्यूट्रल किस तरह से है? किसी भी सभा में बैठी हुई सब लेडीज लेडीज नहीं होती है। This is too much. आप इनडायरेक्टली हमारा अपमान कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाइयों और बहनों, ये मुहावरा उतना ही सही है जितना कि लेडीज एंड जेंटलमैन। इसीलिए शर्मा साहब को आगे चलने दिया जाए। आगे चलिए शर्मा जी। आप सब लोग जानते हैं कि लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। आज की लगातार बढ़ती हुई महंगाई के जमाने में हमारे लिए अपने लिए खान पान के मामूली साधन जुटाने तक में मुश्किल आ रही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अपने वर्ग के लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ ऐसी स्कीमें सरकार के सामने रखें और उन्हें मनवाने के लिए जितना जोर सरकार पर डाल सके डालें, जिससे कि मेरा मतलब है कुछ ऐसी स्कीमें जो जैसे कि पिछली बार ज्यादा से ज्यादा छोटे कर्जों की मांग सरकार के सामने रखी गई थी। उस मांग का अब तक कुछ हुआ भी है? ये सवाल आप बाद में उठाइएगा। बाद में क्यों? अगर उसी बारे में अब तक कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ये शर्मा कुछ हुआ उस बारे में? थोड़ा बहुत हुआ है और नहीं भी हुआ तो होने की आशा की जा सकती है। फिलहाल हम आज के एजेंडा को ध्यान में रखें तो बेहतर रहेगा। आज का एजेंडा क्या है? मैं उसी पे आ रहा हूं। आज हम सरकार के सामने ये ठोस सुझाव रखना चाहते हैं कि मेरा मतलब है आबादी बढ़ जाने से शहर बी ग्रेड से ए ग्रेड हो जाते हैं, लेकिन जहां तक लो ग्रेड वर्कर्स की जिंदगी का सवाल है, कहना चाहिए कि लो ग्रेड वर्कर्स की जिंदगी लो ग्रेड से लोअर ग्रेड होती जा रही है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि और हमें सिर्फ प्रस्ताव ही पास नहीं करना है, उसे मनवाने के लिए सरकार पर पूरा जोर भी डालना है, जिससे कि एक डेढ़ साल के अंदर अंदर, जैसे कि इतनी सारी कॉलोनीज है, उसी तरह से एक निम्न स्तर गृह निर्माण योजना के अंतर्गत हम क्या जी निम्न स्तर गृह निर्माण योजना क्या? इसका मतलब? अरे घटिया किस्म के घर बनाने की स्कीम। ओ नहीं, घर बनाने की घटिया किस्म की स्कीम नहीं नहीं नहीं, वो स्कीम जिसके मातहत निचले दर्जे के घर बनाए जाएं। अरे यार, निचले दर्जे के घर तो सारे देश में ही हैं। सरकार को उसके लिए और स्कीम बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई है? He means houses for low grade workers. Oh, I see, I got it. तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी योजना हो जो वो सरकारी योजना भी हो सकती है और गैर सरकारी योजना भी। जैसे कि एक सुझाव था कि घर नीलाम किए जाएं, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं क्योंकि नीलामी जो है वो गैर समाजवादी नीति है। वैसे लॉटरी भी निकाली जा सकती है, लेकिन योजना जो भी हो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसका लाभ हमारे सब सदस्यों को हो सके। क्योंकि घर एक ऐसी चीज है जो हर आदमी की बुनियादी जरूरत है। आदमी काम करता है कमाने के लिए, कमाता है आराम पाने के लिए, और सही मायने में आराम वो तभी पा सकता है जब उसके पास अपना एक ऐसा घर हो जिसमें सर्दी हो या गर्मी, दुख हो या सुख, एक ऐसी जगह जहां वो उन लोगों के साथ जो कि उसका परिवार है। हम में से हर एक का अपना एक परिवार है। उस परिवार के साथ वो आदमी मैं हर परिवार की बात नहीं कर रहा। मैं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनमें वो होता है, मतलब कलह क्लेश होता है। पर क्यों होता है ये कलह क्लेश? अगर हम उसके मूल कारणों की जांच करना चाहें तो हमें पता चलेगा कि जैसे आज एक समाचार छपा था अखबार में कि एक आदमी ने अपने पूरे परिवार को जहर देकर मार डालने की कोशिश की और उसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। ऑर्डर। मेरा मतलब है कि ऐसा जब भी होता है तो जानने की बात यह है कि अगर हम पता करें कि ऐसा क्यों होता है, उसके मूल कारणों की जांच करने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं और हर एक का परिवार है। मैं ये बात किसी के लिए भी सच हो सकती है, आपके लिए भी, मेरे लिए और किसी भी के लिए। तो अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो अंदरूनी बात क्या है तो पता चलेगा कि उसका कुछ ना कुछ क्या है। मैं हो सकता है थोड़ा सा भटक गया हूँ, लेकिन वो इसलिए है कि अगर हम ये कोशिश करेंगे, उसके मूल कारणों की जांच करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है। शर्मा, पानी पी लो थोड़ा, आराम भरोसे। भाई शर्मा को एक गिलास पानी देना। नहीं पानी नहीं चाहिए। पी लो यार, तलावत आ जाएगी। नहीं पानी नहीं चाहिए। अच्छा एक काम करो, चाय मंगवा लो। है नहीं, चाय भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो जो बात मैं आपके सामने रख रहा था वो सीधे आज का प्रस्ताव ही क्यों नहीं पढ़ देते? मतलब जो बात है वो सब लोग जानते हैं। हाँ। अरे बोल लेने दीजिए इन्हें, अगली मीटिंग में जाने कब हो। शर्मा साहब सीधे उस बात पर आ जाइए जब से नई सरकार बनी है तब से। अरे बल्कि उससे भी पहले शुरू कीजिए, जब से आपने सेक्रेटरी पद संभाला तब से। ऑर्डर। भाई शर्मा प्रस्ताव पढ़ दो। क्षमा कीजिए, प्रस्ताव नहीं प्रस्ताव। अरे PARAS नहीं PRAS प्रस्ताव। ओहो, अरे जो भी है वो रेजोल्यूशन की हिंदी वो पढ़ दो यार। तो अब मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं देता हुआ आपके सामने प्रस्ताव पेश करता हूं। प्रस्ताव था मतलब खो गया कहीं? नहीं इसी फाइल में है। मतलब इसी फाइल में था, आज सुबह ही मैंने ड्राफ्ट बनाया था। किसी और फाइल में तो नहीं है? और किस फाइल में हो सकता है? गुरप्रीत जी की फाइल देख लीजिए, उसमें हो शायद। उनके पास कोई फाइल नहीं है। तो हो सकता है उनके पर्स में हो। इनका प्रस्ताव मेरे पर्स में? अब कहना क्या चाहते हैं? नाराज होने की बात नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव खो गया है तो मैंने सोचा कि इधर उधर पड़ा देखकर आपने संभाल लिया हो, पर्स में रख लिया हो। मेरे पर्स में ऐसी फालतू चीजों के लिए जगह नहीं है। क्या 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 कहा आपने? फालतू या पालतू? मिस्टर रमेश चोपड़ा प्रेजेंट मिस। ऑर्डर। शर्मा फाइल में नहीं है तो कहीं ना कहीं होगा ही। हाँ, एक बार पतलून की जेब में देख लो। पतलून की जेब में कैसे हो सकता है? मैंने सुबह ही फाइल में रखा था। पतलून में सिर्फ रुमाल है और 5 रुपए और 75 पैसे। क्या सिर्फ 5 रुपए 70 पैसे? व्हाट अ पिटी। तो अंदर कमीज की जेब में देख लो। कमीज में जेब नहीं है, मैं जेब वाली कमीज नहीं पहनता। फिर तो एक ही बात हो सकती है, भागकर घर देखो, शायद बच्चों ने निकाल लिया हो प्रस्ताव। बच्चों को प्रस्ताव क्या क्या करना है? अरे खेल रहे होंगे या वहां मोहल्ले में पेश कर रहे होंगे, हो सकता है अब तक उन्होंने पास भी कर दिया हो। ऑर्डर ऑर्डर। शर्मा तुम नया ड्राफ्ट बना लो जल्दी से। नया ड्राफ्ट बन सकता है मगर उसके लिए तो इसके लिए उन्हें किताब चाहिए ना, वो 100 ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस। मैं किताब देख के ड्राफ्ट नहीं बनाता। ठीक बात है, नहीं तो स्पेलिंग की इतनी गलतियां नहीं हो सकती। शर्मा तुम साथ वाले कमरे में चले जाओ जल्दी से। ठीक है, मैं अभी नया ड्राफ्ट बना के लाता हूं। और इतनी देर क्या करना चाहिए बताओ भाई? आप बताएं। आप बताइए भाई। अरे आप बताइए कपूर साहब, आप चेयरमैन हैं, जो भी आपकी रूलिंग हो। और मैं काहे का चेयरमैन? चेयरमैन तो आया ही नहीं ससुरा। अरे आप अपना वो भाषण दे दीजिए ना, उसूल कहता है कि। और नहीं 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 नहीं, बहुत बोर हो चुके हैं। आप भी बोर हो गए? हाँ भाई, खुद भी तो सुनना पड़ता है। तो फिर मनोरमा जी से कहा जाए ये गीत सुना दे। अरे दीन दयाल, ये तो मीटिंग के अंत में सुनाती है। आज पहले सुना दे। अरे नहीं, पहले मोहन से कविताएं सुन लेते हैं। नहीं, पहले गीत हो जाने दो। नहीं, पहले कविता हो जाने दो। अरे भैया गीत में देर कम लगती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बाद में कविताओं में बहुत देर लग जाती है। मेरा प्रस्ताव है कि मोहन अपनी कविताएं सुनाए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। भाई मेरा प्रस्ताव है कि मनोरमा जी अपने गीत सुनाए। हाँ मैं इसका समर्थन करता हूँ। मेरा प्रस्ताव है कि सत्यपाल सब सदस्यों की नकलें सुनाए। मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। और मेरा प्रस्ताव है कि गुरप्रीत जी जिस प्रस्ताव का समर्थन करें वो प्रस्ताव मान लिया जाए। इसका समर्थन कौन करता है? भाई भाई मैं खुद ही इसका समर्थन भी करता हूँ। एक मिनट, आप अपने प्रस्ताव का समर्थन खुद नहीं कर सकते, इसलिए आपका प्रस्ताव कैंसिल हुआ। रमेश ने दो प्रस्तावों का एक साथ समर्थन किया है, इसलिए वो दोनों प्रस्ताव कैंसिल हुए। अब सिर्फ प्रेम प्रकाश जी का प्रस्ताव रह जाता है कि मोहन अपनी कविताएं सुनाए। मोहन, अरे इसे क्या हुआ? मोहन, ए मोहन, मोहन क्या बात है? उठ जा भाई, तुम्हें कविताएं सुनानी है। प्रस्ताव पास हो गया। साथ के कमरे में ड्राफ्ट हो रहा है। कौन कर रहा है ड्राफ्ट? शर्मा। जब ड्राफ्ट हो जाए तो उठा देना यार। अरे यार, पर इस बीच दूसरा प्रस्ताव पास हो गया है। कौन सा? तुमसे कविताएं सुननी है। कविताएं? उससे अच्छा आइडिया है मेरे पास। क्या है? अभी बताता हूँ। अरे मिल गया वही ड्राफ्ट जो गुम हो गया जी। हाँ, कूड़े में था। कूड़े में? हाँ, बाहर आते हुए गिर गया होगा तो जमादार ने झाड़ू से कूड़े में सरका दिया। तो फिर इतनी देर कैसे लग गई? वो नया ड्राफ्ट बना रहा था ना, बाथरूम गया तो ये मिल गया। चलो अच्छा जी, दो ड्राफ्ट हो गए, वक्त की बचत हो गई। अब जल्दी से इसे पढ़ डालो। प्रस्ताव की रूपरेखा इस प्रकार है। हम लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के सब उपस्थित सदस्य। मुझे आपत्ति है। जब प्रस्ताव हिंदी में है तो संस्था का नाम भी हिंदी में होना चाहिए। मुझे भी आपत्ति है। जब सारे सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं है तो प्रस्ताव में सब सदस्यों का उल्लेख कैसे किया जा सकता है? मैं पहली आपत्ति का समर्थन करता हूँ। मैं दूसरी आपत्ति का समर्थन करता हूँ। आप पहले पूरा ड्राफ्ट सुन लें, उसके बाद जो संशोधन करना हो करें। संशोधन नहीं, संशोधन। संशोधन? धन 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 संशोधन। धन 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 संशोधन। संशोधन संशोधन। अरे बाबा, DAN नहीं, DHAN। आप पहले पूरा ड्राफ्ट सुन ले, उसके बाद जो अमेंडमेंट करना हो कर ले। लेकिन हिंदी के प्रस्ताव में संस्था का नाम अंग्रेजी में हो, ये राष्ट्रभाषा का अपमान है। आप इनसे कहिए कि पहले नाम हिंदी में करें। क्यों शर्मे, ये लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की हिंदी क्या है? निचला दर्जा कामगार हितकारी सभा। ये गलत है। इसकी असली हिंदी है निम्न स्तर कर्मचारी कल्याण समाज। ये भी गलत है। ये कैसे गलत है? मेरी वाली हिंदी कैसे गलत है? वो पुरानी हिंदी है इसलिए गलत है। ये मुश्किल हिंदी है इसलिए गलत है। आप हिंदी जानते हैं? आप अंग्रेजी जानते हैं? आप लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं, आप। दोस्तों वक्त बहुत हो रहा है, काम जल्दी से होने दीजिए। शर्मा जल्दी करो ना। ठीक है, मैं आपकी दोनों आपत्तियां स्वीकार कर रहा हूं। तो अब प्रस्ताव इस प्रकार है, हम निम्न स्तर कर्मचारी कल्याण समाज के सब उपस्थित सदस्य। अरे यह कैसे कहा जा सकता है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होगा? इसलिए प्रस्ताव में सब सदस्यों का उल्लेख भी नहीं किया जा सकता। आप क्या चाहते हैं, मैं प्रस्ताव पेश ना करूं? मैंने ये कहा है, मैंने तो कहा है शब्द सब बीच में नहीं होना चाहिए। जब तक मैं पूरा प्रस्ताव पेश नहीं कर लेता तब तक कोई और संशोधन नहीं करूंगा। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी आपने 2 संशोधन स्वीकार किए हैं, और जब 2-2 संशोधन स्वीकार कर सकते हैं तो तीसरा क्यों नहीं कर सकते? कड़ी पे नजर रख के चलो शर्मा। ठीक है, मैं तीसरा संशोधन भी स्वीकार करता हूं। हम निम्न स्तर कर्मचारी कल्याण समाज के उपस्थित सदस्य बहुत तीव्रता के साथ ये अनुभव करते हैं कि सामाजिक पुनर्निर्माण की सरकारी नीतियों में हमारे हितों का ठीक से संरक्षण नहीं हो पा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश के बदलते ढांचे में निम्न स्तर कर्मचारियों के लिए समुचित निम्न स्तर आवास व्यवस्था सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व के निर्वाह की किस उससे मिट गया। कैसे? पता नहीं कैसे मिट गया। अरे जमादार की झाड़ू से मिट गया होगा। निर्वाह की दृष्टि से सरकार को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र एक निम्न स्तर गृह निर्माण योजना बनाकर सब ऐसे कर्मचारियों को जिनकी की सेवा 5 साल से अधिक की है, छोटी छोटी किस्तों पर एक घर। एक और शब्द मिट गया। नहीं, पूरा नहीं मिटा है। उपद्रव। हाँ, उपद्रव कराने का बीड़ा। ये कैसे हो सकता है? उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाए। इतना ही है या और भी है? है तो और भी, पर आप चाहें तो छोड़ा जा सकता है। जो छोड़ा जा सकता है उसे छोड़ दो। ठीक है। तो सज्जनों, अब कौन कौन इस प्रस्ताव का समर्थन करता है? समर्थन का क्या है, मैं समर्थन किया देता हूं। भाई मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मर गए। इसका मतलब अभी और वक्त लगना है। क्यों भैया, तुम्हारी नींद कब खुली? तुमने प्रस्ताव सुना भी है? हा? सब सुना है, इसीलिए कह रहा हूं। अच्छा बताओ, प्रस्ताव में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तुम ही बताओ। आप बताइए कपूर साहब, आप बताइए इसे। मैंने तो हिंदी समझ ही नहीं आती है। प्रस्ताव अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, क्या स्पष्ट नहीं है? बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। जैसे तेन और भी कुछ कहना है भाई? बहुत कुछ कहना है। तो भाई इधर आके बोलो फिर। प्रस्ताव में 3 जगह एक शब्द आया है, निम्न स्तर। इसका अर्थ मालूम है? इसका अर्थ है क्योंकि आज हम निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, इसलिए जीवन भर हमें निम्न स्तर के ही बने रहना है। हमारे लिए आवास व्यवस्था हो तो कैसी? निम्न स्तर की। हमारे लिए मकान बनाए जाए तो कैसे? निम्न स्तर के। अब आप शायद ये भी मांग करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए, निम्न स्तर के बच्चों के लिए एक ऐसी निम्न स्तर की विकास योजना बनाई जाए जिसके अंतर्गत हर वो बच्चा जो 5 साल से अधिक उम्र का हो, उसके लिए निम्न स्तर का कम से कम पाव भर दूध उपलब्ध हो सके। हियर हियर, ब्रावो, ग्रेट। आपने प्रस्ताव का समर्थन किया और उसके विरोध में भी हियर हियर, ग्रेट ग्रेट, ब्रावो ब्रावो कर रहे हैं। वाह जी वाह, ये भी कोई इंसानियत है? मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं। आप अपना समर्थन वापस नहीं ले सकते। समर्थन कभी भी वापस नहीं लिया जाता। क्यों नहीं ले जाता? जब प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है तो समर्थन भी वापस लिया जा सकता है। मुझे विश्वास हो गया है कि आपका प्रस्ताव गलत है, इसलिए मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं। भैया आपको और भी कुछ कहना है? अभी मुझे बहुत कुछ कहना है। ओके भाई, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, मुझे एक जरूरी काम से निकलना है। आई एम सॉरी। क्या कर रहे हैं भैया? ऐसा शर्म है, निकलना है मुझे। नहीं नहीं आप नहीं जा सकते। देख मुझे निकलने दे। नहीं आप नहीं जा सकते। मेरे प्रा मेरी गाल सुन, मुझे जरूरी काम से निकलना। प्रस्ताव उससे ज्यादा जरूरी है कपूर साहब। उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है। अरे नहीं है। जरूरी है। अरे नहीं है। है कपूर साहब, यार थोड़ी देर के लिए किसी और को चेयरमैन बना ले। आप लोग देख रहे हैं ना, आपकी मेरा प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। देख मैंने जहां पहुंचना है, बल्कि वहां मनोरमा जी को भी वहीं पहुंचना, पूछ ले। फिर तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। मनोरमा जी का वोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहती हैं आप? मैं कुछ नहीं कहती। 7 बज चुके हैं। मुझे 8 बजे तक घर पहुंच जाना है। मैं यहाँ से सीधी घर जाऊंगी। सीधी घर चली जाएंगी? हाँ सीधी घर जाऊंगी। फिर वो वहाँ जो चलना था? मैं नहीं चल सकूंगी। क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं चल सकूंगी। मुझे 8 बजे तक घर पहुंचना है, बच्चों को खाना खिलाना है। वो तो 9 बजे भी खिलाया जा सकता है। 8:30 बजे तक वो भी आ जाएंगे। ठीक है फिर कभी सड़क की सब्र कर लेंगे हम तो। सब्र करना है। तब घर ठीक है भाई, प्रस्ताव पास करा लो अपना। बोलिए आप। बोलिए। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस चीज को दिलाना चाहूंगा कि हमारे अंदर ये निम्न स्तर की वृत्ति क्या है और क्यों है। विषय से बाहर मत जाइए, आप बीच में मत बोलिए। ये निम्न स्तर की वृत्ति एक संक्रामक रोग की तरह है जिसके कीटाणु जिसके क्या कीटाणु जम्स हमारी नस नस में फैल जाते हैं और दिन दुगने रात चौगने 100 गुने 1000 गुने हो जाते हैं। इसकी वजह से आदमी की कार्यशक्ति क्षीण हो जाती है, आदमी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, वो सिर्फ एक हाँ हाँ करने की मशीन में बदल जाता है जिसका सारा ध्यान कुछ निम्न स्तर की आवश्यकताओं को छोड़कर किसी चीज में नहीं रह पाता। परिणाम कुछ निम्न स्तर की मांगे और कुछ निम्न स्तर के प्रस्ताव। ये मुझे गाली है। ये गाली नहीं है। गाली है। गाली नहीं है। है नहीं है। है नहीं है। है नहीं है। नहीं है। नहीं है। मिस्टर चेयरमैन आप फैसला कीजिए, यह गाली है या नहीं। भैया हिंदी से हिंदी की डिक्शनरी अवेलेबल है? अरे कपूर साहब डिक्शनरी क्या जरूरत है, संतोष जी तो हैं यहाँ पर। हाँ। क्यों संतोष जी? निम्न स्तर के 2 अर्थ हैं, एक न्यून स्तर दूसरा हीन स्तर। इन दोनों क्या अर्थ हैं? न्यून स्तर के भी 2 अर्थ हैं। पर जितने भी अर्थ हैं उनमें कहीं कोई गाली तो नहीं आती है। गाली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये तो उस शब्द का प्रयोग करने वाले की भावना पर निर्भर करता है। मिस्टर मोहन आपकी भावना गाली देने की थी? बिल्कुल नहीं। आगे चलिए। इन्होंने गाली नहीं दी। इन्होंने मेरे प्रस्ताव को निम्न स्तर का कहा है। अरे यार यही लफ्ज़ तुमने भी 3 बार इस्तेमाल किया। अब आगे चले तो आगे चलिए। ये निम्न स्तर की धारणा हमारे अंदर इस तरह घर कर गई है कि हमारी जीवन संबंधी धारणा ही निम्न स्तर की होकर रह गई है। हम हंसते हैं तो वो हंसी भी निम्न स्तर की होती है, प्रेम करते हैं तो वो प्रेम भी निम्न स्तर का होता है। आप किस विषय में बोल रहे हैं? प्रस्ताव से इन बातों का कोई संबंध नहीं है। संबंध है। नहीं है। है। नहीं है। भाई मैं जा रही हूँ, आप प्रस्ताव पास करते रहिएगा। रुकिए, रुकिए आप लोग। जाइए नहीं, मैं सिर्फ 10 मिनट में मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। क्या कर रही है आप? मैं भी चलती हूँ, यहाँ मीटिंग नहीं होती, बस यही सब कुछ होता है। चलिए मनोरमा जी। गुरप्रीत जी एक मिनट। गुरप्रीत जी। अरे कपूर साहब आप क्या कर रहे हैं? वो शहर में वो आप कहाँ जा रहे हैं? वो इकट्ठे चलेंगे। आपको और भी कुछ कहना? अभी केवल इतना कि इस निम्न स्तर की वृत्ति से छुटकारा पाने के लिए हमें ये प्रस्ताव पास करना है कि आज से हम कभी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी संस्था का नाम बदलकर, जब तक पहले प्रस्ताव पर विचार नहीं होता तब तक आप दूसरा प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते। ये दूसरा प्रस्ताव नहीं है, दूसरा प्रस्ताव है, नहीं है, है, नहीं है, 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 है। मैं अब आपको और बोलने की इजाजत नहीं दे सकता, आप अपनी जगह लौट जाइए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, आप अपनी जगह पर लौट जाइए। मैं मिस्टर शर्मा के प्रस्ताव पर वोट लूंगा। आप वोट नहीं ले सकते क्योंकि और लोगों को भी प्रस्ताव पर बोलना है। अब उसके लिए वक्त नहीं है। पर वक्त क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है। पर क्यों नहीं है? आप एक लाइन में कहिए आपको क्या कहना है। मैं एक लाइन में नहीं कह सकता। तो मत कहिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आप अपनी जगह पर लौट जाइए। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप चेयर का अपमान कर रहे हैं। आपको इस तरह बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आपको इस तरह खड़ा रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग प्रस्ताव के हक में है वो लोग अपने हाथ खड़े करें। आप प्रस्ताव पर वोट नहीं ले सकते, पहले आपको अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी। मुझे किसी से कोई क्षमा नहीं मांगनी है। जो लोग प्रस्ताव के हक में है वो लोग अपने हाथ खड़े करें। आप वोट नहीं ले सकते क्योंकि अभी तक प्रस्ताव का समर्थन नहीं हुआ है। समर्थन हो चुका है। अरे नहीं हुआ है, मैं अपना समर्थन वापस ले चुका हूँ। क्यों? यस। प्रेम प्रकाश जी, आप समर्थन कर दें। ठीक है, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आप फिर भी वोट नहीं ले सकते क्योंकि अभी मुझे प्रस्ताव के बारे में अपने विचार सामने रखने हैं। आप अपने विचार सामने नहीं रख सकते क्योंकि आप इस समय सदस्य नहीं है, आपका चंदा अभी तक नहीं आया है। जिस दिन आप सेक्रेटरी चुने गए थे उस दिन आपको भी चंदा नहीं आया था, आप भी सदस्य नहीं थे। जो व्यक्ति सदस्य ना हो वो सेक्रेटरी कैसे बन सकता है? मैं सेक्रेटरी के चुनाव को चैलेंज करता हूँ। बल्कि जिस दिन ये संस्था बनी थी और पदाधिकारी का चुनाव हुआ था उस दिन किसी का भी चंदा नहीं आया था और कोई भी सदस्य नहीं था। इसलिए मैं पूरे संस्था के चुनाव को चैलेंज करता हूं। और क्योंकि वही पदाधिकारी अभी तक इस संस्था को चला रहे हैं, इसलिए मैं इस पूरी संस्था को चैलेंज करता हूं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मैंने वोटिंग के लिए कह दिया, जिन लोगों को एतराज है वे चाहे तो वॉकआउट कर सकते हैं। आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए, मुझे जाने की अनुमति चाहिए। संतोष जी, ये क्या कह रही है आप? रुकिए तो सही, मुझे भी वहीं जाना है। आप अपना देख लीजिए, अब मैं नहीं रुकूंगी। रुकिए तो संतोष जी, मैं वॉकआउट करता हूँ। गई। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन। माफ कीजिए, लेडीज सब चली गई हैं, अब तो यहां सिर्फ जेंटलमैन बाकी है। ओके, आई एम सॉरी। तो जेंटलमैन, कोरम पूरा नहीं है, उस वजह से मीटिंग जारी नहीं रह सकती। मैं मीटिंग बर्खास्त करता हूं। शाम भरोसे क्या ताऊ, मीटिंग निपट ली? हाँ, निपट ली। क्या क्या पास कर गए? पास कर गए कि शाम भरोसे के घर में रहेगा और राम भरोसे के घर में रहेगा और ये बाबू लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। और ये कि मूंगफली के आधे छिलके शाम भरोसे साफ करेगा और आधे राम भरोसे साफ करेगा। चल, अब हाथ लगा। बहुत कूड़ा कर गए हैं ससुर। चल आजा। बाकी सवेरे देखेंगे। जा।